हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आ गए हैं तुम्हारे न्यू वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो अलग है, सीरीज अब अलग बन रही है। तो बच्चों, अब आ गए हैं हम 11th क्लास में। तो 12th क्लास के भी कुछ मैंने वीडियोस डाली हैं, अब 11th क्लास की स्टार्टिंग हो चुकी है, 10th क्लास की स्टार्टिंग चल रही है आपकी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अब ऑनलाइन क्लास, क्योंकि स्कूल का भी ऐसा पता नहीं है और कोचिंग भी बंद है। तो जो भी पढ़ाई करनी है, जैसे भी पढ़ाई करनी है, हमको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। और इसमें कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में आप रिवर्स बैक करके देख सकते हो, मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, तो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो अगर कोई डाउट होगा तो। और हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया है, तो उसमें भी आप ऐड हो सकते हो, तो उसमें आपको लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे। तो ये सारी की सारी एडवांटेज ऑनलाइन क्लास में आ जाती है, बस आपको समझने के लिए आना पड़ेगा। बस यहाँ पे आपको वीडियो देखनी है समझने के लिए, और नोट्स आपके पास पहले ही फॉरवर्ड हो चुके होंगे। तो आपका बच्चों केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा मैं, और केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे 11th की। तो सीरीज वाइज फिजिक्स भी चलेगी, सीरीज वाइज केमिस्ट्री भी चलेगी। लेकिन अब 10th जैसा काम नहीं होगा कि 10th में कुछ चीजें रट ली, कुछ चीजें समझ ली, और कुछ चीजें बस ऐवे ही हमने याद कर ली कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे भी बताऊंगा तुमको। लेकिन अब तुम लोग मैच्योर हो चुके हो, तुम लोग एक बढ़िया लेवल पे आ चुके हो, ठीक है। 10th पास आउट हो चुके होंगे सब लोग। तो बात यह है कि अब चलेगा डिस्कशन 11th क्लास से। मेरा मानना तो ये होता है कि डिस्कशन चलता है, पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई होनी होती तो वही रटने वाली बातें हो जाती, भाई ये रट ले, ये पैराग्राफ हो जा, और ऐसे करके कर लो सारी चीजें। लेकिन बच्चों, अब ऐसा नहीं चलने वाला है। आपको अगर एक शब्द में भी प्रॉब्लम होगी ना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको अगर एक वर्ड में, एक शब्द में प्रॉब्लम होगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे से डिस्कस करोगे, ठीक है। ऐसे ही और लाइफ रिलेटेड एग्जांपल हम उठाएंगे, तो केमिस्ट्री पढ़ने में मजे ही मजे हैं। फिर ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री बोरियत है या कुछ ऐसा है कि समझ में नहीं आती है। आप लाइफ रिलेटेड एग्जांपल जब खुद से बनाना सीख जाओगे, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन किस तरीके से आसान करी जाती है, ज्यादा मल्टीप्लिकेशन ना, ज्यादा डिवाइड करके। तो सारी चीजें केमिस्ट्री में भी हम सीखेंगे बच्चों, ओके। तो 11th का कोर्स इतना बड़ा है, ठीक है, 11th का कोर्स इतना बड़ा है, तो रटा तो नहीं जा सकता, लेकिन हर चीज समझी जरूर जा सकती है। और जो चीज समझ के चलेगा, तो उसके लिए इतना बड़ा कोर्स हो या इतना बड़ा कोर्स हो, वो तब भी कर लेगा अगर समझ के चलेगा तो। लेकिन अगर जो रट के चलेगा, जिसको सिर्फ ओनली पास आउट होना है 11th में, तो उसके लिए भाई केमिस्ट्री फिजिक्स एक बहुत ही खतरनाक पहाड़ साबित हो जाएगा, खतरनाक पहाड़ बिल्कुल। तो इसलिए ऐसा ना करें, अगर कैपेबिलिटी हो तभी करें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं चैप्टर स्टार्ट कराता हूँ। चैप्टर का नाम है बच्चों केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, डिस्कशन चलेगा, कमेंट करना, ठीक है, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे पर्सनली कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो सारे डाउट्स तुम्हारे वहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो पहले पूरी वीडियो देख लो, नोट्स अगर आपके पास पहुंच चुके हैं तो बढ़िया, नोट्स अगर नहीं पहुंचे हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना, मैं नोट्स आपको दे दूंगा। और जो नोट्स यहां से देख के बनाओगे उसके लिए और बढ़िया है, ठीक है। तो पेन कॉपी लेके बैठो और अब शुरू करते हैं तुम्हारी 11th क्लास की केमिस्ट्री। और टॉपिक नहीं डालूंगा यहां पर, ठीक है, सीधा क्वेश्चन हमारा सिर्फ ये है, पढ़ क्या रहे हैं हम केमिस्ट्री। तो अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन वही होना चाहिए कि व्हाट इज केमिस्ट्री, हमारा पहला क्वेश्चन वही होना चाहिए कि भाई केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को भी तो समझना पड़ेगा। अब जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसको नहीं समझेंगे तो क्या होगा। जैसे मैंने 10th क्लास में एक बच्चे से पूछ लिया था कि क्या बोलता है, चल बेटा तुझे पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तू पढ़ता है 10th में, तो उसने बोल दिया था हाँ जी पढ़ता हूं। तो मैंने बोला अच्छा बताओ व्हाट इज साइंस, और वो खेल गया वहां पर, ठीक है। वो बोल रहा कि सर क्या पूछ रहा आप कि व्हाट इज साइंस, की साइंस तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है। तो कहीं ना कहीं चाहे आप 11th पास आउट हो जाओ, चाहे आप 12th पास आउट हो जाओ, तो कहीं ना कहीं आपको बाद में सोचना पड़ेगा कि यार पढ़ा तो था केमिस्ट्री, लेकिन केमिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, डेफिनेशन कैसे बनाओ उसकी। तो
तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी केमिस्ट्री में, ये बारीक बारीक चीजें होती है जो आपको एंटरटेनमेंट करती है बच्चों, ठीक है। तो अब मैं आपको शुरुआत कराता हूं केमिस्ट्री से। व्हाट इज केमिस्ट्री? तो बच्चों केमिस्ट्री को डिफाइन करना कुछ शब्दों में, केमिस्ट्री को डिफाइन करना कुछ शब्दों में कर सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर उसमें नहीं ला सकते, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत बड़ी है। कार्बन वाले कंपाउंड है, एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, बहुत सारी चीजें हैं, सोप है, डिटर्जेंट है, शैम्पू है, प्लास्टिक है, पेपर है, पता नहीं क्या क्या केमिस्ट्री से बना है। पूरे यूनिवर्स में केमिस्ट्री है बच्चों। रिएक्शंस कितनी ढेर सारी करके आए हो आप 10th क्लास से, वो सारी केमिस्ट्री में आती है। तो किसी को भी वेल डिफाइन करना मुश्किल है, एक एक चीज डालना डेफिनेशन में मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हम डेफिनेशन बनाए लेकिन फिर भी अगर हम डेफिनेशन बनाए तो हम कुछ गिनी चुनी चीजें ले लेते हैं। सबसे पहले चीज क्या लेते हैं केमिस्ट्री में, अगर मैं केमिस्ट्री को बच्चों डिफाइन करूंगा, अगर मैं केमिस्ट्री को डिफाइन करूंगा तो मुझे फर्स्ट चीज लेनी है कंपोजिशन। कंपोजिशन। दूसरी चीज लेनी है स्ट्रक्चर। तीसरी चीज लेनी है प्रॉपर्टीज। और चौथी चीज लेनी है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिस्ट्री को इन चार पार्ट में डिफाइन करा गया है, पर बच्चों ये पूरी बात नहीं है। तब भी केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बात नहीं है, लेकिन हम इतने से ही काम चला लेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है जो कंपोजिशन की स्टडी करती है। कंपोजिशन मतलब मिलावट, कंपोजिशन मतलब मिलना, किसी चीज का आपस में मिक्स होना, उसे बोलेंगे बच्चों कंपोजिशन। जैसे आप खाना बनाते हो, ठीक है, आप खाना बनाते हो, खाने में पानी डाला, ठीक है, कुछ सब्जी डाली, हल्दी डाली, मिर्चा डाली, नमक डाला, तो उसका कंपोजिशन करा ना आपने, तो वही चीज तुम्हारी कंपोजिशन में आती है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, कि गैस फॉर्म में, और उसके बाद प्रॉपर्टी, कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो कंपोजिशन मतलब मिलाना, स्ट्रक्चर मतलब जो बनावट होती है, और प्रॉपर्टी मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो देखने से पता चल रहा है कि हाँ सॉलिड है, लिक्विड है, कि किस तरह की उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी बच्चों किस में आता है? ये आता है बच्चों मैटर में। किस में आता है? मैटर में। तो डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री की? डेफिनेशन ये है केमिस्ट्री की, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस हुज डील विद द कंपोजिशन। हुज डील विद द कंपोजिशन? स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? ऑफ मैटर। ऑफ मैटर, मैटर आप छोटी क्लासेस में पढ़ते जा रहे हो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, जिसके पास भी कुछ मास हो और वो जगह घेर सके उसे मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। ये आप 9th क्लास से छोटे छोटे उसमें पढ़ते आ रहे हो, मुझे पता है वो आपको आता होगा, ठीक है। तो सीधा मैटर हमने यहां पे लिखा दिया। एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन। एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन। तो क्या है केमिस्ट्री की डेफिनेशन? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द सिम्बोलिक एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन। एज ऑल्सो रिप्रेजेंट द सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन इन ऑल ओवर द रिएक्शन इन द यूनिवर्स। इन ऑल ओवर रिएक्शन इन द यूनिवर्स। तो हम केमिस्ट्री को छोटा मोटा इस तरीके से बच्चों डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमको आ गई समझ, ठीक है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम समझ गए कि केमिस्ट्री को किस तरीके से डिफाइन करा जाता है। अब बच्चों केमिस्ट्री को आप डेफिनेशन लिख लेना, मैंने सिखा दिया आपको डेफिनेशन लिखना, मैंने यही बोला कि डिस्कशन चलेगा आपका, आपको यहां पे मैं समझा दूंगा डेफिनेशन, मैंने समझा दी, लिखनी आपको खुद है। कैसे लिखोगे? लिखोगे केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या लिखोगे? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। आगे बोलो, विच डील विद द कंपोजिशन, कॉमा, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन। एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सबके बच्चों सिंबल बनाते हो ना, तो रिएक्शन में सिंबल लिखते हो, तो इस तरीके से हम भी क्या बनाते हैं? सिंबल बनाते हैं, ओके। तो ये हो गई तुम्हारी केमिस्ट्री की बच्चों डेफिनेशन। अब यहां से एक बात निकल गई मैटर, तो
तो मैंने बोला कि बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और प्रो लेवल तक जाएंगे, बहुत बढ़िया लेवल जाएगा आपका इस चैप्टर का। 12th को टक्कर देने वाला चैप्टर है, बिल्कुल 12th क्लास को टक्कर देने वाला, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर, मोल, कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। असल में यूट्यूबर्स ज्यादातर कंजर्वेशन ऑफ मास से शुरू कराते हैं, पर बेसिक चीजें भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक चीजों में से भी क्वेश्चन फंसेंगे। मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहां से रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बेसिक चीज भी पढ़ना। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मैटर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर। तो क्या बताया था मैंने मैटर के बारे में, बताओ। मैटर के बारे में मैंने ये बताया था, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज जिसके पास खुद की जगह हो, जिसके पास खुद का कुछ मास हो, तो उसे क्या बोलेंगे, मैटर। क्या बोलेंगे, मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। उसको बच्चों मैटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मैटर कहा जाएगा। तो इतना आपको क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मैटर किसे कहा जाता है और केमिस्ट्री किसे कहा जाती है जिसको हमें पढ़ना है, तो इतना क्लियर हो गया आपको। तो अब हम मैटर को बच्चों डिवाइड करने वाले हैं, और मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है सॉलिड लिक्विड गैस, एक होता है अलग चीज। तो मैटर को बच्चों दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है, और हेडिंग आप न्यू पढ़ोगे। अब एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फटाफट उसे पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम करने वाले हैं मैटर को क्लासिफाई। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, एक पढ़ेंगे बच्चों हम फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक पढ़ेंगे हम केमिकल क्लासिफिकेशन। अब सवाल यह है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या फर्क है, ठीक है। आप अगर बाद में भी पढ़ोगे, लेकिन आपको यह सवाल जरूर आएगा कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है, ठीक है। जैसे आप किसी इंसान के पास गए, आप फर्स्ट टाइम किसी इंसान से मिल रहे हो, जैसे शादी वादी में जाते हो तो इंसान से मिलते हो, तो आप देख के बोलोगे कि हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, सामने से देखने में क्या लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा क्या उसे, उसकी शक्ल देखी, उसकी क्या बोलते हैं चलने की स्टाइल देखी, उसकी बात करने का स्टाइल देखा, भले ही बात सुनी ना हो पर बात करने का स्टाइल देखा, आपको ठीक लगा, तो बोल रहे हो कि हाँ कि फिजिकल क्लासिफिकेशन है। अभी आप लोग मुझे देख रहे हो, ठीक है, तो मैं बाहरी रूप से कैसा दिख रहा हूं, ठीक है, चश्मा पहना हुआ है, दाढ़ी है निकली हुई, बाल है और थोड़ा फीका कलर है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में आती है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, सामने से देख सकते हैं। तो बच्चों वो किस में आता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में। लेकिन हमें थोड़ी ना पता कि वो पर्सन है कैसा, हमें ऐसे थोड़ी ना देख के पता चल जाएगा कि उसका नेचर कैसा है, तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, उसको उससे बात करके चेक करना पड़ेगा कि वो बढ़िया इंसान है कि कम बढ़िया इंसान है। घटिया नहीं बोलेंगे तो वो कुछ अलग ही वर्ड चले जाते हैं, बढ़िया बोलेंगे और कम बढ़िया बोलेंगे कि बढ़िया इंसान है कि कम बढ़िया इंसान है। तो यहां पे हमारे एक बात यहां पे समझ में आती है कि केमिकल क्लासिफिकेशन देखने के लिए हमें नेचर देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, नेचर देखना पड़ता है। और फिजिकल क्लासिफिकेशन के लिए हमें बच्चों बस ऑब्जर्व करना पड़ता है, सामने जो दिख रहा है हमने मान लिया, सामने जो दिख रहा है हमने क्या कर लिया, मान लिया। अब यहां पे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, ठीक है। तो एग्जांपल बच्चों ये है कि ये मेरे पास एक बीकर हो गया, ये मेरे पास एक बीकर हो गया, इसमें डाला मैंने वाटर, इसमें डाला मैंने वाटर, ठीक है, और एक और मेरे पास एक ग्लास है जिसमें मेरे पास चाय पत्ती है, टी लीव्स है, और एक तरफ वाटर है। तो आपको देखने पे पता चल रहा है कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। मेरे पास टी लीव्स हैं जिसको सॉलिड कहेंगे, मेरे पास पानी है जिसको लिक्विड कहेंगे, तो देखने से पता चल रहा है ना। तो बताओ अगर देखने से पता चल गया कि ये टी लीव्स है मेरे पास और ये पानी है,
तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा कि केमिकल क्लासिफिकेशन में? ये और ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में कि केमिकल क्लासिफिकेशन में? तो देखने से जो मालूम चल गया, देखने से जो पता चल गया, तो वो किसमें आएगा बच्चों? वो आएगा तुम्हारा फिजिकल क्लासिफिकेशन में। लेकिन जब मुझे उसके अंदर की चाय पत्ती का अंदर का मालूम करना पड़ेगा कि उसका नेचर कैसा है, तो मुझे पता चला वो तो चाय बना देती है, नेचर मुझे पता चल गया, उससे हम चाय बना सकते हैं, उससे हम और काफी चीजें कर सकते हैं, ठीक है, दवाई के लिए भी इस्तेमाल करी जा सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों किसमें आएगी? केमिकल में। पानी पीने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, पानी रिएक्शन कराने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। तो उसके अंदर की प्रॉपर्टीज है ना, उसके अंदर की चीजें जो खूबी निकल के आ रही है बाहर, वो किसमें आती है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टी में आती है। किसमें आती है? केमिकल। देख के जो पता लगा सके, देख के जो पता लग जाए वो केमिकल, और जो देख के पता ना लगे, जिसको चेक करना पड़े, तो वो किसमें आती है? केमिकल। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में बच्चों हम तीन चीजें पढ़ते हैं। पहली चीज जो है वो है सॉलिड, दूसरी चीज जो है वो है लिक्विड, और तीसरी चीज जो है वो है गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम ये तीन चीजें पढ़ते हैं। आपको रिकॉल करा रहा हूं मैं, इसमें सारी चीजें पढ़ी हुई है आपने, ठीक है, आपको रिकॉल करा रहा हूं बस, मैं चीजें पढ़ी हुई आपने, वो मैं जानता हूं कि सॉलिड लिक्विड गैस आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आप अगर ये देख के बताओ कि कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, ठीक है, ये सॉलिड है टी लीव्स और ये लिक्विड है, गैस का है, गैस भी है इसके अंदर, ठीक है, तो जो ज्यादा जानकार इंसान होगा, जिसने साइंस पढ़ी होगी, जो बढ़िया साइंस जानता हो, बढ़िया भी नहीं तो नॉर्मल जानता हो, उसको पता होगा कि गैस भी, कि आधा पानी भरा है आधी गैस है, वो ये बताएगा, ये देखो आधा पानी भरा है आधी गैस है, तो ये गैस है इसके अंदर, इतने एरिया में गैस है। तो मुझे सॉलिड भी मिल गया, मुझे लिक्विड भी मिल गया, और ये जो है मुझे गैस भी मिल गई, ठीक है, तो फिजिकल अपेयरेंस मुझे देखने को मिल गई बच्चों यहां पर। तो इतना हमको क्लियर हो गया। ओके, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आप जानते हो कि सॉलिड जो होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब शेप भी फिक्स होगी और वॉल्यूम भी क्या होगा? फिक्स होगा। लिक्विड के बारे में आप जानते हो कि शेप तो क्या नहीं होती, शेप आपकी नहीं होती लिक्विड की, पर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम डेफिनेट होता है। गैस ना ही शेप डेफिनेट होती है और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए कि हमारा जो सॉलिड होता है उसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है एंड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप होती है एंड वॉल्यूम। लिक्विड क्या होता है बताओ? डेफिनेट शेप होती है क्या? तो डेफिनेट शेप नहीं होती है, सिर्फ वॉल्यूम होता है। तो यहां पे बोलोगे नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप बट फिक्स वॉल्यूम। डेफिनेट शेप नहीं होगी पर बच्चों फिक्स वॉल्यूम होगा, डेफिनेट शेप नहीं होगी पर फिक्स वॉल्यूम होगा। और यहां पे नो डेफिनेट शेप नो वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड लिक्विड गैस हुआ खत्म, बस इतना ही पढ़ना है हमको इसके बारे में, प्रॉपर्टी वॉपर्टी नहीं पढ़नी है हमको इसके बारे में। बस एक चीज, एक क्वेश्चन जो आ जाता है यहां से वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, यहां का इस पैटर्न का। और बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन अभी शुरू करेंगे, पहले इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन कर लें जो पेपर में भी रिपीट हुआ है, जो पेपर में भी क्या हुआ है? रिपीट हुआ है, ठीक है, तो वो करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो डील करती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्लासिफाई इन द टू कैटेगरीज, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड क्लासिफिकेशन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन आर दोस क्लासिफिकेशन विच वेन विच वी कैन सी विच वी कैन ऑब्जर्व, बट केमिकल केमिकल क्लासिफिकेशन विच डू नॉट सी विच आर चेक, जो हम चेक कर सकें, जो हम पता कर सकें, ठीक है, जो ऑब्जर्व करने से पता चल गया उसके बारे में हमें पता चल गया कि हाँ वो सॉलिड लिक्विड गैस है, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसका बेसिक सा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह आता है तुम्हारा कि क्यों सॉलिड के पार्टिकल पास पास, क्यों लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर, और क्यों
गैस के पार्टिकल ज्यादा दूर दूर। क्वेश्चन वाई सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड देन दोज ऑफ लिक्विड एंड गैस वाई सॉलिड आर क्लोजली पैक देन दोज ऑफ लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के ज्यादा क्लोजली पैक क्यों होते हैं? तो भाई अगर सॉलिड की बात करी जाए तो सॉलिड अगर मैं यहां पे बनाऊं तो उसके पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे से टच होते हैं, उसके पार्टिकल एक दूसरे से टच होते हैं इस तरीके से। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। अगर मैं गैस की बात करूं तो वो कंटेनर के अंदर भी मिलेंगे और कंटेनर के बाहर भी मिलेंगे। ये हो गई गैस, ये हो गई लिक्विड और ये हो गया सॉलिड। सवाल है क्यों? सॉलिड के पार्टिकल पास पास, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर और गैस के पार्टिकल बिल्कुल दूर। तो आपका आंसर होगा बच्चों पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसके पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल खतरनाक होगा, बिल्कुल स्ट्रांग होगा, तो उसके पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, चिपके रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो यहां पर फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्ट्रांग। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मीडियम। और यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लेस। तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जिसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो उसके पार्टिकल क्लोजली पैक होंगे और वो क्या कहलाएगा? सॉलिड। वो क्या कहलाएगा? सॉलिड। जिसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम होगा, मॉडरेट होगा, तो वो क्या कहलाएगा? लिक्विड। और वो क्या कहलाएगा? गैस। तो क्लियर हो गया आपको, यहां से ये बात क्लियर हो गई। तो ये पेपर में आ चुका है 1 मार्क्स में क्वेश्चन कि क्यों पार्टिकल किसी के पास पास रहते हैं और क्यों पार्टिकल दूर दूर रहते हैं किसी भी सब्सटेंस के। सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड। तो वो दो चीजें और हैं जो आगे जाके मैं थोड़ी बता दूंगा आपको, बाकी उसमें ज्यादा डिटेल नहीं हुई है। ठीक है, डिटेल वाली बात नहीं उसमें, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं तुम्हारे केमिकल क्लासिफिकेशन में। अब मैं समझाता हूं तुमको केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको नोट कर लो, फिर हम केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन जिसको चेक करना पड़े, जिसको क्या करना पड़े? चेक करना पड़े। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में बच्चों हम दो चीजें पढ़ते हैं, पहली चीज पढ़ते हैं मिक्सचर्स और दूसरा पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस। पहली चीज पढ़ते हैं मिक्सचर और दूसरी क्या पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस। आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ये दो चीजों में कंबाइन है। अच्छा बताओ, अगर मैं कुछ मिट्टी के पार्टिकल कुछ चीनी के पार्टिकल से मिला दूं तो पार्टिकल अलग है कि सेम है? बताओ, अगर मैं मिट्टी के पार्टिकल और चीनी के पार्टिकल आपस में मिला दूं तो पार्टिकल सेम है कि अलग है? तो पार्टिकल बिल्कुल अलग है। तो पार्टिकल बच्चों अगर अलग है तो उसे बोलते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट पार्टिकल्स आपस में मिलाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर। लेकिन सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल, आपके कुकिंग है, आपके घर में किचन है, तो आपके घर में जो किचन है तो उसमें अगर चीनी का कोई डब्बा होगा तो उसमें चीनी के तो पार्टिकल होंगे, कोई हल्दी का डब्बा होगा तो उसमें हल्दी के तो पार्टिकल होंगे, कोई तुम्हारे मिर्ची का डब्बा होगा तो उसमें मिर्ची के तो पार्टिकल होंगे, कोई तुम्हारे टी लीव्स का डब्बा होगा तो उसमें टी लीव्स ही तो होंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है? अगर मैं उसमें से एक दाना निकाल भी लूं, चीनी का मैंने एक दाना निकाला, एक क्रिस्टल निकाला, उसको अगर मैं फोड़ूं तो क्या मुझे मिट्टी मिलेगी? तब भी मुझे चीनी का चूरा मिलेगा, और वो चूरा भी किससे बना होगा? चीनी के क्रिस्टल से ही बना होगा। तो जो सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बनते हैं बच्चों, किस टाइप के पार्टिकल से? वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बनते हैं, उसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं?
प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल एंड विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मिक्सचर. जो दो या दो से ज्यादा अलग पार्टिकल से बने होते हैं उसे मिक्सचर बोलते हैं, और जो सिर्फ एक ही पार्टिकल से बने होते हैं उसे प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. तो यहां पे मैं प्योर सब्सटेंस को हटा देता हूं, क्योंकि मुझे मिक्सचर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने आपको, तो मैं प्योर सब्सटेंस जरा यहां से हटा देता हूं और मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं. बस कैटेगरी समझ में आ गई, पहला होता है मिक्सचर और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस अभी आगे पढ़ेंगे हम, तो पहले हम मिक्सचर को पढ़ लेते हैं. तो मिक्सचर को पढ़ते हैं, क्या बताया मैंने मिक्सचर के बारे में. मिक्सचर आपका वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टिकल होते हैं और डिफरेंट पार्टिकल होते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टिकल मिक्स होते हैं और डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं. कैसे कैटेगरी के होते हैं? डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं. तो यहां पे हम पढ़ेंगे विच हैव टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, विच हैव टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स. वाक्य सप्ताह आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये पार्टिकल का मीनिंग मैं आपको समझाता हूं, ठीक है. अब 11th लेवल है, प्रो लेवल है बिल्कुल, तो आपको हर एक शब्द समझना पड़ेगा. पार्टिकल में तुम्हारा बच्चों एटम भी आ सकता है, मॉलिक्यूल भी आ सकता है और आयन भी आ सकता है, यह बात याद रखना, ठीक है. जब भी मैं किसी भी डेफिनेशन में पार्टिकल बोलूं ना, तो पार्टिकल का मतलब एटम भी आ सकता है, मॉलिक्यूल भी आ सकता है, आयन भी आ सकता है. अब आपका सवाल होगा सर एटम क्या होता है, ठीक है. तो मैं एटम के बारे में बताता हूं. अगर मैंने एच लिख दिया खाली H, ऐसे अनस्टेबल स्टेट आप जानते हो, 10th में पढ़ा होगा, जिसके K में वन आता है. अगर मैंने खाली ऐसे H लिख दिया बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा? अगर मैंने H2 लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा? अगर मैंने H+ लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा? तो जब मैंने खाली H लिखा है, इसके पास कोई दूसरा H जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये एटम कहलाएगा. अगर ये H2 है तो दूसरा H इससे कंबाइन हो गया, तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा. और कुछ भी हो सकता है पार्टिकल में, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है. तो पार्टिकल एक तरीके से बाय चॉइस हमें चॉइस देता है कि एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है. तो पार्टिकल का मतलब ये होता है. तो आगे आपको पार्टिकल का मतलब समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं, पार्टिकल मतलब ये तीन चीजें, तो उसे बोलते हैं मिक्सचर. क्या बोलते हैं? मिक्सचर. तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है. जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूं ना, ये सारी चीजें, जैसे पार्टिकल में मैंने ये चीजें बताई, तो कॉपी में अगर कोई अभी नोट कर रहा होगा ना, तो ऊपर हेडिंग लाइन में लिख देना, जो ऊपर जगह बचती है ना कॉपी के, तो वहां पे लिख देना, ठीक है. चलो मिक्सचर हम समझ में आ गया. अब मिक्सचर दो चीजों में डिवाइड होता है. मिक्सचर के टू टाइप्स होते हैं, और पहला टाइप होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर. तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ट्रेंडिंग में चले गए सारी चीजें. पहले शब्द का मतलब समझेंगे, ठीक है. जो ये शब्द लिखा है, जो ये वर्ड लिखा है, इसका मतलब समझेंगे, तब डेफिनेशन पे आएंगे. और मैं मतलब समझा लूंगा तो आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी, ठीक है. तो होमो का मीनिंग होता है बच्चों, अगर मैं होमो को देखूं तो होमो का मीनिंग होता है सेम. होमो का मीनिंग क्या होता है? सेम. और वहीं पर अगर हेट्रो का मीनिंग बोलूं तो हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट. हेट्रो का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट. होमो का मीनिंग सेम होता है और इसका मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट. जब आपका कुछ चीज आपस में मिक्स हो गई, कुछ चीज आपस में मिक्स है और हर जगह पे वो सेम है, हर जगह पे क्या, वो क्या है? सेम है. और ऐसे ही ना, क्या बोलते हैं, हर जगह पे लॉजिक, केमिस्ट्री में लॉजिक चलता है और बढ़िया लॉजिक चलता है. तो जहां पे भी आगे जाके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में होमोलाइटिक फ्यूजन, हेटरोलाइटिक फ्यूजन पढ़ेंगे, कुछ टूटने वाला पढ़ेंगे, तो होमो का मतलब जो सेम टूटता है और हेट्रो का मतलब जो अलग टूटता है. तो वहां पे भी होमो हेट्रो पढ़ेंगे, लेकिन अलग लेवल पे पढ़ेंगे. लेकिन आपको एक बात यहां पे क्लियर हो गई कि केमिस्ट्री में जब भी होमो आ गया तो वो सेम होता है. वो किसके लिए होता है? सेम. सेम टूटेगा, सेम बनेगा, सेम रहेगा, ठीक है. अलग टूटेगा, अलग बनेगा, अलग रहेगा, ठीक है. तो वो होता है हेट्रो का मीनिंग. तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि होमो क्या होता है और हेट्रो क्या होता है. होमो मतलब सेम के लिए और हेट्रो मतलब अलग के लिए. अब देखो बात क्या है. बात यह है
कि मेरे पास यहां पे आप लिक्विड देख रहे हो, तो लिक्विड यहां पे सेम है, यहां पे सेम है, यहां पे सेम है, बताओ कहां पे सेम है, कहां पे लिक्विड ज्यादा है, कहां पे H2O H2O जो है कहां पे ज्यादा है, कहां पे कम है। इसका अगर मैं टेस्ट भी ले लूंगा, तो अगर मैं इस पानी को पी भी लूं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हर सिप में टेस्ट वैसा ही आएगा। तो बताओ इधर पानी के पार्टिकल ज्यादा है, इधर पानी के पार्टिकल ज्यादा है, इधर पानी के पार्टिकल ज्यादा है, कि हर जगह पे पानी के पार्टिकल ज्यादा है? तो हर जगह पे पानी के पार्टिकल सेम है, ज्यादा नहीं है, सेम है। वर्ड पर जाओ, शब्दों का खेल है बस थोड़ा सा, ठीक है? तो हर जगह पे पार्टिकल सेम है, और जहां पे भी पार्टिकल सेम होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो जब तुम्हारा कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब कुछ भी चीज जो मिली हुई है, जब तुम्हारा कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मतलब सेम की अलग, सेम, ठीक है, सेम, हेमो, होमो, सेम। तो जब भी तुम्हारा कोई भी दो चीज अगर आपस में मिक्स कर रहे हो और वो यूनिफॉर्म है, वो क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा है, तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। उसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। अब इमेजिन करो मैंने इसमें नमक डाल दिया, नमक को घोल दिया, तो एक सिप लूंगा नमक का क्या टेस्ट आएगा, दूसरा सिप लूंगा तो क्या अलग टेस्ट आएगा? वही तो टेस्ट आएगा जितना मैंने मिलाया। मतलब नमक के पार्टिकल भी हर जगह पे फैल गए, हर जगह पे फैल गए मतलब सेम फैल गए, और सेम फैल गए तो मतलब यूनिफॉर्म फैल गए। कैसे फैल गए? यूनिफॉर्म। तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि वो कॉम्पोजिशन, ठीक है, वो कॉम्पोजिशन या तो वो मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, वो मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, हर जगह पे पार्टिकल सेम मिलेंगे, हर जगह पे पार्टिकल क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे, यूनिफॉर्म मिलेंगे, तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहां पे लिखेंगे दीज आर दोज मिक्सचर, दीज आर दोज मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया H2O पानी, एक और ले सकते हो सॉल्ट प्लस H2O, ठीक है, एक और ले सकते हो शुगर प्लस H2O। नमक को पानी में मिला दोगे तो हर जगह पे क्या अलग टेस्ट आएगा? हर जगह पे सेम टेस्ट आएगा ना, मतलब मतलब नमक में और पानी में यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो चुका है, ठीक है, हर जगह पे सेम फैल चुका है। ऐसे चीनी में भी हर जगह सेम फैल चुका है। तो ये सारी की सारी अच्छी चीजें किसमें आती है? होमोजीनियस मिक्सचर में आती है, ठीक है। तो इतना आगे समझ में। अब आते हैं तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट। जब आपको क्या डिफरेंट मिले? जब आपको कंपोजिशन डिफरेंट मिले। अब बताओ यूनिफॉर्म लिखा तो यूनिफॉर्म का उल्टा शब्द क्या होता है? तो यूनिफॉर्म का उल्टा शब्द होता है नॉन यूनिफॉर्म। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। तो बच्चों जब तुम्हें कॉम्पोजिशन क्या मिले? नॉन यूनिफॉर्म। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। तो ये है मेरे पास टी लीव्स और ये है मेरे पास वाटर। तो मैं टी लीव्स और वाटर को आपस में मिला देता हूं, तो आप देखना कि क्या होता है, ठीक है। ये टी लीव्स है और ये वाटर है, तो ये मैंने इसमें मिला दिया। तो आपको यहां पे क्या देखने को मिला? जब मैंने टी लीव्स और वाटर को मिला दिया तो देखो धीरे धीरे टी लीव्स नीचे बैठ गए, सेटल डाउन हो गए। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? हर जगह पे पत्ती के पार्टिकल सेम है कि हर जगह पे टी लीव्स के पार्टिकल अलग है, अलग अलग है, नीचे बॉटम पे ज्यादा हो गए और ऊपर हल्के फुल्के फैले हुए हैं, तो यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? तो बच्चों ये होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो हर जगह पे पार्टिकल, इस यहां पे पार्टिकल सेम है क्या, यहां पे पार्टिकल सेम है क्या, यहां पे पार्टिकल सेम है, तो हर जगह पे पार्टिकल टी लीव्स के क्या हो गए? अलग हो गए। तो हर जगह पे पार्टिकल टी लीव्स के अलग हो गए, तो ये कौन सा मिक्सचर बन गया? ये बन गया तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया बच्चों। कैसा मिक्सचर बन गया? हेट्रोजीनियस। हर जगह पे पत्ती के पार्टिकल अलग है, हर जगह पे टी लीव्स के पार्टिकल अलग है, ठीक है। तो यहां से हमको ये समझ में आया कि अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, दीज आर दोज मिक्सचर, दीज आर दोज मिक्सचर विच हैज डैश कंपोजिशन, कंपोजिशन थ्रू आउट। बताओ डैश की जगह पे क्या आएगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन आएगा कि उल्टा आएगा?
तो बिल्कुल सही, उल्टा आएगा। तो क्या उल्टा आएगा? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म आएगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉन यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल एग्जाम्पल तुम्हारा टी लीव्स और वाटर हो गया, टी प्लस वाटर, ठीक है, टी लीव्स प्लस वाटर। दूसरा क्या हो गया? सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी इस तरीके से पूछी जाती है। तो क्लियर हो गया बच्चों आपको? क्लियर हो गया होमोजेनस मिक्सचर और हाइड्रोजेनस मिक्सचर। अब काम की बात सुनते हैं, पढ़ना सब है, ठीक है, ए टू जेड पढ़ना सब है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो के स्कूल में पूछे जाते हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस के ऊपर। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा और उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि कौन होमोजेनस है और कौन क्या हेट्रोजेनस है, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें से आपको छाटना पड़ेगा कि कौन होमोजेनस है और कौन हेट्रोजेनस, और पेपर में रिपीट हो रखे हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना और ध्यान से उसका आंसर देना। तो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन आइडेंटिफाई होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर आपको बच्चे बताना है, ठीक है। तो पहला सॉल्ट प्लस वाटर, दूसरा शुगर प्लस वाटर, तीसरा सैंड प्लस वाटर, चौथा, तो चौथा है एयर अलोंग विद द मॉइस्चर, एयर अलोंग विद द मॉइस्चर। फिफ्थ है एयर अलोंग विद डस्ट, एयर अलोंग विद डस्ट। और नेक्स्ट है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। चलो बताओ, आंसर दो कि कौन तुम्हारा होमोजेनस होगा और कौन तुम्हारा हेटरोजेनस होगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा? सॉल्ट प्लस वाटर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, हर जगह पे टेस्ट सेम आएगा। तो अगर हर जगह पे टेस्ट सेम आएगा तो ये क्या होगा? होमोजीनियस। शुगर प्लस वाटर मिलाकर होमोजीनियस, सैंड प्लस वाटर हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, एयर अलोंग विद मॉइस्चर। अब मॉइस्चर का मीनिंग होता है बच्चों पानी के पार्टिकल्स हवा में। तो पानी के पार्टिकल्स हवा में, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो आप ये बताओ, आप अगर इंडिया में रहते हो तो इंडिया में आप देहरादून में रहते हो, देहरादून में आप नैशनल हाईवे और पथियापिर की साइड रहते हो, मैं, ठीक है। तो यहां पे हो सकता है मॉइस्चर ठीक हो, लेकिन अलग जगह पे घंटा घर पे मॉइस्चर अलग हो, ठीक है, इंडिया में मॉइस्चर अलग हो, बांग्लादेश में अलग हो, और वहां पे नहीं पहुंचना, ठीक है। तो नेपाल में अलग हो, उधर नहीं जाना, पी वाले पे नहीं जाना, ठीक है। तो नेपाल में अलग, भूटान में अलग, तो ये सारी जगह पे मॉइस्चर क्या होगा? अलग होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मॉइस्चर सेम कंपोजिशन में होगा। मॉइस्चर तो हर जगह पे अलग होता है ना, और एटमोस्फेयर के हिसाब से मॉइस्चर चेंज होता रहता है। तो हवा में मॉइस्चर कभी कम होता रहता है, कभी ज्यादा होता रहता है, यूनिफॉर्म नहीं होता। तो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होता है तो क्या लिखा जाएगा? हेटरोजीनियस। क्या लिखा जाएगा? हेटरोजीनियस। एयर अलोंग विद डस्ट, हवा में डस्ट के पार्टिकल क्या हमेशा सेम होता है कि बदलते रहते हैं? बताओ, हवा में डस्ट के पार्टिकल क्या हमेशा सेम होता है कि बदलते रहते हैं? तो बदलते रहते हैं, तो हेट्रोजीनियस, ठीक है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो जहां पे ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है वहां पे क्या सेम सेम है? अगर आपके और मेरे बीच में भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो क्या सेम होगी? कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो गैसेस कभी कम हो सकते हैं, कभी ज्यादा हो सकती है, तो ये भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। ये भी किसमें आएगा बच्चों? हेटरो में आएगा। किसमें आएगा? हेटरो में।
आपके बोर्ड आपके 11th में बच्चों ये फोर्थ ऑप्शन ज्यादा है, ये फोर्थ वाला ज्यादा है पेपर में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फोर्थ वाला आपका ज्यादा है, मॉइस्चर वाला आपका ज्यादा है, ठीक है। तो क्लियर होगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस से, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस से। क्लियर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करो, फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, वो भी तुम्हारे पेपर में रिपीट हुआ है 1 मार्क्स में, वो भी तुम्हारे पेपर में रिपीट हुआ है 1 मार्क्स में, पहले इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर्स, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 और वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर्स एंड गैस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर्स एंड गैस, चलो बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर्स एंड गैस। अगर कुछ आइडिया है तो बताओ। अगर कुछ आइडिया सिमनी, ठीक है। चलो देखो, अब मैं एक कंटेनर ले रहा हूं, ये मैंने एक कंटेनर लिया और इसमें मैंने लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है। मैंने इसमें लिक्विड फिल कर दिया, H2O फिल कर दिया, पानी वाटर, और यहां पे मैंने कुछ एटमोस्फियर से कुछ गैसेस ले ली, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, जैसे क्लोरीन, Cl2, ये सारी गैसेस ले ली, CO2, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ये सारी गैस होती है जैसे कि हमको जानते हैं, तो गैस तो गैस ही होती है ना, मतलब गैस तो बाय नेचर गैस ही है जो हमें मिली है, जो हमें पता भी नहीं है कि बनी कैसे होगी, मतलब हम अब बना लेते हैं पर पहले कैसे बनी होगी, अर्थ जब बनी होगी तो पता नहीं कैसे बनी होगी, तो वो हमको मालूम नहीं है, तो गैस ही होती है। वेपर्स के बारे में समझते हैं, वेपर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बताओ ये पानी रखा हुआ है एक बकेट में, वेपर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बकेट में पानी रखा है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वेपर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो इसका जवाब यह है वेपर्स बनेंगे। जो सोच रहा होगा नहीं बनेंगे तो उनको मैं समझा देता हूं कि मैं अपनी बात में एग्री करता हूं, और एग्री करने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि सबूत दूंगा मैं इसका कि क्यों बनेंगे वेपर, ठीक है। अगर मैं हीट ही नहीं दे रहा हूं, मैं टेम्परेचर ही नहीं दे रहा हूं, तब भी वेपर बनेंगे। आपकी बताओ वाटर साइकिल कैसे चलती है, बताओ आपकी बच्चों वाटर साइकिल भी तो चलती है, वाटर साइकिल कैसे चलती है बताओ, क्या मैं वहां पे कोई हीट दे रहा हूं, क्या मैं कुछ कर रहा हूं, वहां पे तो सनलाइट पानी पे पड़ती है, फिर वो भाप बन जाते हैं, वेपर बन जाते हैं, तो ये काम किसमें हो रहा है, स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस, अभी भी चल रहा है। चलो मान लो आपके घर में पानी गिर गया, पानी थोड़ा सा गिर गया बोतल से, आपको साफ नहीं करना, आपको साफ नहीं करना, ठीक है, और 1-2 दिन तक उस पानी को ऑब्जर्व करना है बस, तो पानी ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, पानी ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। कहां जा रहा है वो पानी, तो वो पानी तुम्हारा वेपर बन रहा है, वो पानी क्या बन रहा है तुम्हारा वेपर। और बस मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूं, बर्फ को देख लो, जब ग्लेशियर जो अलास्का वाला है जहां पे ज्यादा बर्फ होती है, देहरादून, मसूरी, धनौल्टी, यहां पे जब बर्फ जमती है ना, तो बर्फ के इलाके में जाया करो, तो बर्फ में भी फ्यूम्स उठते हैं वेपर के, इसका मतलब कम टेम्परेचर पे 0 डिग्री पे भी वेपर बनते हैं और ज्यादा टेम्परेचर पे भी बनते हैं, और टेम्परेचर ना दोगे तब भी बनेंगे। अभी भी मेरे पास ये बोतल है ना बच्चों, अभी भी मेरे पास इसके अंदर पानी है ना, तो इस पानी के कुछ ना कुछ वेपर्स बन रहे होंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस मतलब वो होता है जो खुद से हो, जो खुद से होना चाहता हो, जिसको हम रोक ना पाए, तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस समझाता हूं आपको। झरना बह रहा है तो झरना खुद से बह रहा है ना, नीचे आ रहा है ना, तो वो चीज किसमें आएगी, स्पॉन्टेनियस में, जो खुद से हो रही है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं झरने को नीचे से ऊपर कर सकता हूं, जो आपका झरना ऊपर से नीचे जा रहा है, तो मैं नीचे से ऊपर कर सकता हूं, तो मैं जबरदस्ती कर रहा हूं ना कि ऊपर जा ऊपर जा,
तो वो चीज आ जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस में। किसमें आ जाती है बच्चों? नॉन स्पॉन्टेनियस पे। तो ये काम तुम्हारा बिना टेम्परेचर के हो सकता है। अगर तुम टेम्परेचर भी नहीं दोगे तब भी वेपर बनेंगे, अगर तुम टेम्परेचर बिल्कुल 0 डिग्री रख दोगे तब भी टेम्परेचर बनेंगे। बर्फ वाला एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। हाँ ये बात ठीक है कि अगर मैं यहां पे कुछ एक्सटर्नल टेम्परेचर दे दूं, ये बात ठीक है, अगर मैं कोई कुछ एक्सटर्नल टेम्परेचर दे दूं तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर ना दूं तो वेपर बनेंगे? बिल्कुल वेपर बनेंगे। वेपर इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पानी से वेपर बनना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हर टेम्परेचर पर होता है, ठीक है, जिसको इवेपोरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो अगर मैं टेम्परेचर दूंगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे, ये बन गए वेपर्स, ठीक है, ये बन गए वेपर्स। तो क्या डिफरेंस है गैस और वेपर में? तो गैस तो गैस ही है जो हमें बाय नेचर मिली है। वेपर का मीनिंग क्या होता है? कोई भी लिक्विड वाली चीज, अब वो पानी नहीं हो सकता है, वो पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, केरोसिन ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी पानी वाली चीज जो गैस बन जाए, कोई भी पानी वाली चीज जो गैस फॉर्म में बन जाए, जो गैस फॉर्म में बन जाए, लेकिन उसको गैस ना बोलकर हम उसको वेपर्स बोलते हैं। तो फर्क पता चला गैस और वेपर में? लिक्विड वाली चीजों से जब गैस बनती है, लिक्विड वाली चीजों से जब गैस बनती है, मतलब लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको गैस ना बोलकर क्या बोलेंगे? वेपर्स। उसको गैस ना बोलकर क्या बोलेंगे? वेपर्स, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको? तो अगर इतना क्लियर हो गया तो मैं एक लाइन लिखूंगा, उसमें फिर मुझे बताना कि कैसे आगे बढ़े। तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, वेपर्स आर द गैसेस, वेपर्स आर द गैसेस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की, ओनली पानी नहीं, ऑफ अ सब्सटेंस विच इज डैश इन अ रूम टेम्परेचर। वेपर से गैस स्टेट होती है, वेपर से गैस स्टेट होती है जो कि किसी सब्सटेंस की होती है, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर पे कैसे मिलेगा आपको? आपके घर में पानी है तो रूम टेम्परेचर अगर 25 या 30 या 40 भी हो जाए तब भी तो वो लिक्विड ही मिलेगा। तो यहां पे क्या आएगा? लिक्विड। तो डेफिनेशन याद हो गई, डिफरेंस पता चल गया, 1 मार्क्स में डिफरेंस आता ही है। वेपर्स आर द गैसेस स्टेट, वेपर्स आर द गैसेस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज लिक्विड, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये हो गया बच्चों इसका छोटा सा डिफरेंस। अगर किसी भी लिक्विड वाली चीज के गैस बनेगी तो उसे गैस ना बोलकर, उसे वेपर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? वेपर्स। तो इतना हो गया क्लियर। तो हमने बच्चों मिक्सचर्स के बारे में पूरा पढ़ लिया, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा कि होमोजेनियस होता है, हेटरोजेनियस होता है, फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो हमने पढ़ लिया। अब बताओ कि केमिकल क्लासिफिकेशन में दूसरा पॉइंट क्या था? अगर मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हो, बने हुए हो, तो बताओ केमिकल क्लासिफिकेशन में दूसरा पॉइंट क्या था? तो केमिकल क्लासिफिकेशन में दूसरा पॉइंट था तुम्हारा प्योर सब्सटेंस, जो कि एक टाइप के पार्टिकल से बनता है। बच्चों कितने टाइप के पार्टिकल से बनता है? एक टाइप के पार्टिकल से। तो हम उसको हम पढ़ते हैं, उसको हम सीखते हैं। आप ये नोट कर लो, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्योर सब्सटेंस, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस आपके वो होते हैं विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से बने हो उसे क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो सिर्फ एक ही पार्टिकल से बने हो उसे क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस को बच्चों तीन कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, तीन टाइप्स होते हैं इसके, और आपने पढ़ रखे हैं तीन टाइप्स बहुत ही बखूबी से। पहला होता है मेटल्स, ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा नॉन मेटल्स, और तीसरा क्या होता है?
तीसरा होता है मेटलॉइड, तीसरा होता है मेटलॉइड, क्लियर। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा क्या होता है मेटलॉइड। तो बच्चों मेटल क्या होता है, मेटल वो होता है जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जो तुम्हारे सोनोरस होते हैं जिनमें अगर मैं, ये भी मेटल है, ऐसा 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 करूंगा तो क्या आ रही है, साउंड आ रही है, तो इस साउंड को सोनोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोनोरस। मेटल हार्ड हार्ड होते हैं जनरली, तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों इसमें आ जाती है। तो क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया। तो मेटल क्या होते हैं, मेटल होते हैं मेटल होते हैं तुम्हारे मैलिएबल, दूसरा डक्टाइल होते हैं, तीसरा गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब मेटल की बात हो गई। मेटल सोनोरस होते हैं, सोनोरस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी बात तुम्हारी मेटल की आ गई। एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल क्या लिखोगे, एग्जांपल लिखोगे कॉपर, एल्यूमिनियम, तो ईटीसी, ये सब लिख दोगे एग्जांपल, ठीक है। तो मैलिएबल का मतलब होता है, जिसको ना पता उसके लिए बता देता हूं, मैलिएबल का मतलब होता है जब हैमर से हिटिंग करते हैं, जब हैमर से मारते हैं और लंबी लंबी शीट बनाते हैं तो उसे हैमर बोलते हैं, और किसी भी मेटल को खींच के जब लंबी लंबी वायर वायर बनाई जाती है तो उसे डक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टाइल। अब आ जाओ यहां पर, ये होते हैं ब्रिटल, ये होते हैं ब्रिटल, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब ये हुआ, अगर हैमरिंग करोगे, शीट बनाने की कोशिश करोगे या खींच के वायर बनाने की कोशिश करोगे तो चूरा चूरा टूट जाएगा, जैसे तुम्हारी चौक होती है स्कूल में लिखने वाली जो चौक होती है, ठीक है। दूसरा बैड कंडक्टर्स, ये आपके बैड कंडक्टर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट नॉट नॉन सोनोरस, ये सोनोरस नहीं होते आपके। एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ईटीसी, ये सारे तुम्हारे नॉन मेटल में आते हैं बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ मेटलॉइड पे। तो मेटलॉइड कौन होते हैं, तो मेटलॉइड आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको पता है मेटलॉइड क्या होते हैं। मेटलॉइड आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उसे बोलते हैं मेटलॉइड, उसे क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। तो इतना क्लियर हो गया आपको, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उसे बोलते हैं मेटलॉइड। तो द सब्सटेंस विच शोज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड मेटलॉइड, इज कॉल्ड मेटलॉइड। एग्जाम्पल के लिए आप ग्रुप 15 याद रख सकते हो पीरियोडिक टेबल का। इसको याद करने का शॉर्टकट ये है, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, नहीं पसंद ऐसे सब भाई। तो नीचे के जो बच्चों ये तीन देख रहे हो, ये तुम्हारे मेटलॉइड में आते हैं, जो नीचे के तीन देख रहे हो वो तुम्हारे किस में आते हैं, मेटलॉइड में। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया, तो ये भी तुम्हारे किस में आते हैं, मेटलॉइड में आते हैं। तो ये हो गया बच्चों तुम्हारा आज का टॉपिक प्योर सब्सटेंस का, कि प्योर सब्सटेंस आपके तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो आज के लिए इतना काफी है। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री किसे बोलते हैं। तो केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री आपकी वो ब्रांच होती है साइंस की जो कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पे डील करती है, और सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन पे क्या करती है, डील करती है। और व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, जिसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, और जिसको चेक करना पड़ेगा, अंदरूनी चेक करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल क्लासिफिकेशन हमने मिक्सचर पढ़ा और प्योर सब्सटेंस पढ़ा। तो मिक्सचर आपका वो होता है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल मिक्स होते हैं, और उसमें पढ़ा होमोजेनस और हेटरोजेनस। और होमोजेनस वो होता है जिसमें सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट होता है, और जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट होता है वो कौन होता है, हेटरोजेनस। और उसके हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े। फिर उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस आपके वो सब्सटेंस होते हैं, हाँ, और दूसरी बात हमने डिफरेंस पढ़ा वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्क्स में, वाटर वेपर और गैस का।
तो जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, जो भी चीज रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, जब उसकी गैस बनेगी तो उसको गैस ना कहकर क्या बोलेंगे, वेपर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेपर्स। फिर हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस आपका वो होता है जिसमें एक तरीके के पार्टिकल होते हैं, और वो मेटल, उसके तीन कैटेगरी होती है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका आज का पहला पार्ट जो कि केमिस्ट्री का था। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, डेली लाइफ से समझोगे ना तो मजे ही मजे हैं केमिस्ट्री पढ़ने में, और कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी ही आपकी फिजिक्स के टॉपिक्स भी मैं डालूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से फिजिकल वर्ल्ड तो वैसे बेकार है, लेकिन इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन समझाना पड़ेगा मुझे उसमें, तो उसके लिए बढ़िया है, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन बहुत बढ़िया लेवल का है उसमें, तो वो मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम फिजिक्स भी पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। ओके, थैंक यू।